हेलो दोस्तों, मैं परबत सिंह राणावत परमार वंश के जो एक टेस्ट सीरीज है परमार वंश से संबंधित सारे प्रश्न मैं उनको लेकर आ रहे। शत्रु को मारने वाला का शाब्दिक अर्थ किस वंश से है दोस्तों? तो मैंने बोल ही दिया आपको, मैं परमार वंश लेकर आ रहा हूँ। तो इसमें जो सही आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा आपके परमार वंश। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन 10 सही हो जाएगा, ये आप ध्यान रखना। ओके, दूसरा प्रश्न दोस्तों, चंद्रावती का संबंध किस वंश से है? तो चंद्रावती का जो वंश है वह दोस्तों प्रतिहार से नहीं है, परमार से। दोस्तों बिल्कुल इसमें परमार ही सही है। ओके, तो दूसरे का, चंद्रावती का संबंध किस शहर से? तो वर्तमान में चंद्रावती का शहर का संबंध किस से है? आबू रोड, आबू से, किराड़ू से, मालवा से, उज्जैन से। तो दोस्तों इस ऑप्शन के अनुसार इसमें आबू से ही हो जाएगा, और एक चंद्रावती और है अपने, और वह है झालावाड़ में दोस्तों। ओके, तीसरा प्रश्न है, कन्नौज में परमार वंश की नींव किसने रखी? तो कन्नौज में परमार वंश की नींव रखने वाला दोस्तों भोज, नागभट्टादित्य, सीयक या धूमराज। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर सही भोज हो जाएगा दोस्तों। ओके, सही आंसर इसका सीयक, सॉरी दोस्तों, इसमें सही आंसर हो जाएगा सीयक। ओके, भोज तो दोस्तों इसने तो उज्जैन की स्थापना की थी दोस्तों। बांसवाड़ा स्थित शीश माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो परमार, प्रतिहार, चौहान, चालुक्य। तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि एक तो शीश माता वो जयपुर में, लेकिन यहाँ पूछा बांसवाड़ा की शीश माता में, तो मैं बता देता हूँ बांसवाड़ा में कि अर्थुणा में ये शीश माता का मंदिर है जो परमार कालीन है दोस्तों। ऑप्शन सही हो जाएगा इसका परमार। ओके दोस्तों, छठा, राजस्थान में परमार वंश का प्रारंभिक स्थान कौन सा था? तो मैंने बता दिया कि परमारों का सबसे पहला प्रारंभिक स्थान उदयपुर नहीं था, किराड़ों नहीं था, चंद्रावती इसमें सही हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रावती दोस्तों। ओके, राजस्थान में सबसे पहले पितृदौरा का प्रयोग कहाँ पर हुआ था दोस्तों? ये उदयपुर के गोलमंडल में हुआ था, और इसकी स्थापना, इसको बनाने वाला व्यक्ति था जो भोज था, और वो परमार वंश का था। तो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों परमार। किराड़ू का शिव मंदिर बाड़मेर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो किराड़ू का जो, किराड़ू में देखना दोस्तों परमार वंश कालीन था, तो इसका भी आंसर सही परमार हो जाएगा दोस्तों। ओके, राजस्थान का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो दोस्तों किराड़ू को कहा जाता है, भंड देवरा को, बारा के अंदर जिसको लघु देवरा के, जगत मेवाड़ का हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा किराड़ू, जगत का मंदिर है वो मेवाड़ का। ओसिया का शिव या महेश मंदिर का किस शासक के समय बनाया गया था? किस शासक ने बनवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों धुंधक, सोम सिंह, धारावर्ष या उपल दे परमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपल दे परमार। 11वां प्रश्न दोस्तों, परमार वंश का आदि पुरुष या संस्थापक कौन था? तो धूमराज इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपको आंसर सही करना है धूमराज। 12वां प्रश्न, राजस्थान में अनुपस्थिति का स्वामी किस वंश को कहा जाता है? दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इसमें से क्या आंसर सही होगा, परमार, चौहान, प्रतिहार और कछवा। दोस्तों मैं यहाँ बता देता हूँ, ये आंसर इसमें हो जाएगा प्रतिहार दोस्तों। ओके, अनुपस्थित के, राजस्थान में सबसे पहले किसी वंश की नींव, तो ये थे घटियावली अभिलेख का लेखक कौन था दोस्तों? ये प्रतिहार वंश से संबंधित है, लेकिन इसमें आ गया है, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। कुकुक प्रथम इसका आंसर हो जाएगा। 14, किस चौहान शासक ने चंद्रावती के परमारों को समाप्त कर चंद्रावती पर चौहान वंश की नींव रखी थी? तो दोस्तों ये रखने वाला 1311 में, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लुम्बा चौहान। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों, आदिनाथ का मंदिर आबू पर्वत पर कब बनाया गया था? तो आदिनाथ का मंदिर विमल स्वा द्वारा निर्मित है, धुंधक के समय बनाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1031। माउंट आबू स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किस परमार शासक के समय बना था? तो ये दोस्तों हो जाएगा कि मैं भीमदेव सोलंकी और धुंधक के बीच में युद्ध हुआ था, तो विमल शाह ने दोनों के मध्यस्थता की थी, और ये धुंधक के समय बना था दोस्तों। ओके, 17वां प्रश्न, भगवान आदिनाथ व ऋषभ देव का मंदिर किसने बनवाया था? तो देखना, धारणाक शाह तो रणकपुर मंदिर हो जाएगा, तेजपाल वास्तुपाल का नेमिनाथ मंदिर हो जाएगा, विमल शाह द्वारा ये निर्मित था। अगला प्रश्न दोस्तों, आदिनाथ मंदिर माउंट आबू पर एकमात्र आक्रमण किसने किया था? औरंगजेब, अलाउद्दीन, बाबर, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, अलाउद्दीन खिलजी। ओके दोस्तों,
19वां प्रश्न, तेजपाल वास्तुपाल द्वारा निर्मित नेमिनाथ का मंदिर का निर्माण कब कराया गया था? तो 1031 में, तो मैं बता दूं कि आपका विमल साहब जो आदिनाथ का मंदिर बना था, 1232 में तेजपाल वास्तुपाल नेमिनाथ का मंदिर बनाया था, 1444 ये रणकपुर में खंबे है, और 1015 इसका सही आंसर हो जाएगा 1232 दोस्तों। ओके, 20वां, सोमदेव किस कवि किस परमार शासक के समय था? तो जो सोमदेव जो दोस्तों था वह था धूमराज के समय नहीं था, धारावर्ष महान शासक था, धुंधक प्रथम धूमराज के बाद का शासक, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रहलादन वीर। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न, कीर्ति कौमुदी और लुणवशाही मंदिर की प्रशस्ति के लेखक कौन थे? इसका लेखक दोस्तों प्रहलादन वीर के समय जो कवि था वह सोमदेव था, इसका सही आंसर भी दोस्तों यही है सोमदेव। 22वां, पार्थ पराक्रम व्योम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों मैं बता दूं कि धूमराज, धारावर्ष, धुंधक और प्रहलादन वीर शासक भी था और लेखक भी था दोस्तों, तो इसके द्वारा स्वयं के द्वारा लिखी थी ये पुस्तक है पार्थ पराक्रम व्योम पुस्तक। माउंट आबू पर स्थित किस मंदिर को देराणी जेठाणी का मंदिर भी कहा जाता है? देखना दोस्तों, तेजपाल और वास्तुपाल की जो पत्नियां थी वो देराणी जेठाणी जो थी आपस में, तो वो ये चाहती थी कि उनकी जो मंदिर के मुख्य द्वार पे उनके भी जो है मूर्तियां बनाई जाए, तो इसीलिए इस मंदिर में नेमिनाथ के मंदिर को हम देराणी जेठाणी का मंदिर भी कहते हैं दोस्तों। ओके, परमारकालीन माउंट आबू पर किस मंदिर के निर्माण में कारीगरों व मजदूरों ने बिना मजदूरी के कार्य किया जिस कारण वह मंदिर देलवाड़ा का मंदिर कहलाया दोस्तों, और इसीलिए माउंट आबू को देलवाड़ा भी कहते हैं कि उन मंदिरों में लोगों ने दिल से काम किया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ का मंदिर दोस्तों। ओके, जब वो जब उनके मध्यांतर होता था, खाना खाते थे, तो खाने के बाद 2 घंटे हमेशा इस मंदिर के लिए जो शेष बचे हुए अवशेषों से वो इस मंदिर को बनाया था। 25वां प्रश्न, मालवा में परमार वंश की नींव किसने रखी थी दोस्तों? तो मालवा में जो परमार वंश की नींव रखने वाला मूंज है दोस्तों, इसका सही है। ओके, राजस्थान में सबसे पहले पितृद्वारा का प्रयोग कहां पर हुआ था? गोलमंडल उदयपुर में परमार शासकों द्वारा इसका हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, परमारकालीन राजधानी कन्नौज से उज्जैन कौन लेके गया था? कन्नौज से उज्जैन, तो उज्जैन को कला और संस्कृति में सबसे बड़ा बनाने वाला साहित्य कला संघ, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों भोज। अगला प्रश्न दोस्तों, चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर किसने बनाया था? बनाने वाला इसका भोज ही था दोस्तों, क्योंकि कुछ समय तक परमार वंश ने चित्तौड़ पर अधिकार किया था और उस समय उन्होंने त्रिभुवन नाथ का नारायण मंदिर बनाया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ में स्थित त्रिभुवन नारायण मंदिर का पुनर्निर्माण किस शासक ने करवाया था? दोस्तों पुनर्निर्माण करवाने वाला था मोकल, और इस मोकल ने इसका पुनर्निर्माण और इसके नाम भी इस मंदिर का चेंज कर दिया था। जहां पर अगला प्रश्न 30वां वही है, वर्तमान में त्रिभुवन नारायण मंदिर को चित्तौड़ में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इस मंदिर का नाम है समृद्धेश्वर मंदिर, वहां पर इस शिलालेख लगा हुआ, कभी भी आप चित्तौड़ जाए तो जरूर इस शिलालेख को पढ़े दोस्तों। 31वां प्रश्न दोस्तों आपके सामने ला रहा हूं मैं कि कविराज की उपाधि किसे प्राप्त थी? तो जैसे कि ये ऑप्शन आ रहे हैं दोस्तों, आपको ध्यान ही है मैंने कला साहित्य और संगीत के बीच में बहुत बड़ा व्यक्ति हुआ था, भोज हुआ था, और भोज द्वारा लिखित पुस्तकें भी बता दो, सम्रांगण सूत्र वगैरह, ये बहुत बड़ी पुस्तक थी। कविराज की उपाधि किसे प्राप्त हो जाएगी दोस्तों? भोज को हो जाएगी। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों जिसे मैं ला रहा हूँ आपके सामने कि महामंडलेश्वर की उपाधि किसे प्राप्त थी? तो मैं बता दूँ, महामंडलेश्वर ना भोज था ना मूंज था, सीएक भी नहीं था दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विक्रम सिंह दोस्तों। ओके, 33वां प्रश्न है दोस्तों, दिलवाड़ा के जैन मंदिर में कितने मंदिरों का समूह है दोस्तों? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 इसका सही आंसर है दोस्तों। ओके, अंतिम प्रश्न दोस्तों, परमारकालीन विद्वानों व पुस्तकों का मिलान करना दोस्तों। तो मैंने जैसे स्टार्ट में आपको बताया था कि पद्मगुप्त परमारों की जानकारी मिलती है नवसांग चरित्र, जिसको पद्मगुप्त ने लिखा था, तो ए का डी हो जाएगा था। ओके दोस्तों, धनंजय ने 10 रूपक लिखा था दोस्तों, सी हो जाएगा इसका। धनिक ने 10 रूपावलोक लिखा था दोस्तों, और हलायुद्ध ने ब्राह्मण वर्चस्व लिखा था, इसका ए हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों परमारकालीन प्रश्न। अब दोस्तों मैं बहुत ही जल्द परमार के वन लाइनर भी लेके आ रहा हूं। नमस्ते दोस्तों, अगर ये बहुत अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ओके, नमस्ते दोस्तों।